अली भाई की नहीं आ रही थी, पर आपकी आ रही बना है। रहे हैं। कवल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, पीटीआई के वुमेन विंग के प्रेसिडेंट कवल चाचा। थैंक यू सो मच, आप लोगों को देख के हमेशा खुशी होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज को हिला के रख देने में जिब्रान आपका बहुत बड़ा हाथ है। ये आप हर दूसरे दिन उनको एक इतना बड़ा शॉक दे देते हैं, वो बेचारे अभी कैंपेन्स में लगे हुए हैं, आपने उनको देखे ना फिर एक कितना उनके बेचारों की कैंपेन आप दोनों ने फिर खराब करा दी है। जो हमारे ओपोनेंट्स हैं उनको बेचारों को समझ ही नहीं आ रही होगी कि अब हम किस तरह जाके मैच करें। सो थैंक्स टू यू पार्टी की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारी SMT, हमारे जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, ना सिर्फ ये कि वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं बल्कि ब्रिलियंट आइडियाज, ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं जो इनोवेटिव थिंकिंग भी कर रहे होते हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबने बात की, मैं ज़रूर बात करूंगी, जो हमसे सिंबल छीना गया, बड़ी टारगेटेड कैंपेन की गई, अगस्त से कुछ लोग जो हैं उनके फरिश्तों ने उन्हें इतला कर दी थी कि बैलेट पेपर पे तो बैठ नहीं होगा, उनमें से राजा रियाज साहब भी थे, कुछ हमारे जो लिफाफी सॉरी सहाफीज भी हैं जिन्होंने ये बात कहनी शुरू कर दी कि बल्ला नहीं होगा। तो पता नहीं इनको कैसे इल्हाम हो गया, इतना ज़बरदस्त ये इल्हामी इल्म रखते हैं कि इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि बल्ला नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें ज़रा काफ़ी देर से बताया कि बल्ला नहीं होगा। लेकिन उन सब को जिन्होंने बल्ला खींचा है या छीना है या चोरी किया, मैं ये बताना चाहती हूँ कि बल्ला तो एक सिर्फ सिंबल था, हमारी असल पहचान इमरान खान है, और वो ये वो शख्स है कि जो हमें पहचान देता है, जो उससे जुड़ जाता है उसकी पहचान बन जाती है, और जो उससे हट जाता है, वो कहते हैं कि खान को जिसने सताया उसने फिर रिक्शा ही चलाया, तो जो उससे दूर होता है वो जलील और रुस्वा हो जाता है, क्योंकि वो हक सच पे खड़ा है, वो हमारा मुर्शिद भी, और इंशाल्लाह और वक्त बताएगा कि वो जिंदा वली भी है, क्योंकि जो बंदा अवाम के लिए दुखी, जो इंसानियत के लिए, गरीबों के लिए सोचता है और उनके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करता है, और पूरी जिंदगी उसकी एक मिशन पे गुजरी है, उसके साथ आप जैसे चोर जो है वो मैच नहीं कर सकते। खवातीन की मैं बात करूंगी इस इलेक्शन के हवाले से, मैं खुद भी NA 166 से इलेक्शन लड़ी हूँ, पहली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने NA की सीट्स के लिए 21 खवातीन को फील्ड में उतारा है, और इंशाल्लाह सारी एक से बढ़कर एक है अपनी कैंपेन चला रही है, डिस्पाइट द फैक्ट के बल्ला छीन लिया, लेकिन जो जो हमें निशानात मिले हैं उनके लिए जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, माइंड्स हैं, उन्होंने इतने इनोवेटिव तरीके सोचे हैं कि ये उम्मीदवारों के सिंबल अब ज़्यादा एक इनोवेटिव तरीके से इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगी, मुझे एक ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन कमीशन के मेरे जो इलाके के आरओ हैं उन्होंने बड़ा काम किया कि रात को 1 बजे मुझे उन्होंने ये आप देख रहे होंगे रोलर कोस्टर का सिंबल दिया है, पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ये रोलर कोस्टर का सिंबल नहीं है जो मेरे पास है, और उनको ये लग रहा था कि मैं अहमदपुर शरकिया जो कि भावलपुर की एक पसमानदा तरीन बिल्कुल अंडर डेवलप्ड तहसील है, और जो हल्का NA 166 है वो 70% रूरल आबादी है, उसको उन्होंने न्यूयॉर्क की तरह का समझ के मुझे ये सिंबल दिया है, क्योंकि वहां पर जो मेरे ओपोनेंट्स हैं नवाब साहब और जो गद्दी नशीन गिलानी, बड़े बड़े जागीरदार वारंस, वो इतने खौफजदा थे कि उन्होंने फिर पैगाम भिजवाए, और आरा साहब ने मेरे पे ये बड़ी जो है करम नवाजी अपनी तरफ से की है कि मुझे उन्होंने ये रोलर कोस्टर का निशान दिया है। तो मैं मेरे जितने सुनने वाले मैं उनसे कहूंगी कि इस रोलर कोस्टर को आपने याद रखना है, और मुझे तो इमरान खान की वो स्पीच हर वक्त याद है, उनका वो पैगाम हर वक्त याद है कि लाइफ इज अ कंटिन्यू स्ट्रगल, और ये अप एंड डाउन में होती है जिस तरह मेरा निशान है, और यही लाइफ कहलाती है, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसको डेथ कहा जाता है। तो मेरे लिए तो बड़ा एजाज है, इंशाल्लाह इसी निशान को हम जीत का निशान बनाएंगे और अपनी सीटें जीत के इमरान खान साहब की अमानतें उन तक पहुंचाएंगे। मैं अभी जो बात कर रहे थे मरवत साहब, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी, देखिए हमें बिल्कुल बदगुमान होने की जरूरत नहीं, हम सब इमरान खान के सिपाही हैं, उनके नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं, पार्टी के उम्मीदवार हैं, और पार्टी के साथ हमारी पहचान है, इंडिविजुअली हमारी कोई पहचान नहीं है, और हमने कुरान पे ओथ लिया है, वो सबमिट किया है, वो चल रहा है मीडिया पे, एफिडेविट हम सबमिट करेंगे, हमारे तो खून में से भी PTI निकलती है और खान साहब के लिए आवाज निकलती है, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बदगुमानी की जरूरत नहीं है, डट के अपनी कैंपेन चलाएं, और 8 फरवरी को जो जुल्म का बदला था वो वोट से हमने देना है, और आपके तरफ से मैं अपनी खवातीन को कहूंगी कि प्लीज आपने निकलना है, अगर हमारी खवातीन निकल आई जिस तादाद में 17 जुलाई को निकली थी, जिस तादाद में वो राजनपुर के इलेक्शन में निकली थी, तो कोई माई का लाल हमें इलेक्शन नहीं हरवा सकता। 2-3 पॉइंट से मैं जी 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 सॉरी बात मैं फील्ड काम कर रही हूँ,
इन्होंने प्लान ये बनाया है जो कोस्टर पे ठप्पा, रोलर कोस्टर पे ठप्पा, रोलर कोस्टर पे ठप्पा। वो आपका था, तो बस चले बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बस हम ये इंशाल्लाह सिर्फ एक चीज बताना चाह रही हूँ कि 12 से लेके 2 बजे तक का जो लंच का टाइम है वो प्लान बनाया गया है कि उस वक्त सबको बाहर निकाल के तो ठप्पे पे ठप्पा, तो पता नहीं किस किस चीज पे ठप्पा डाल के तो उसमें बैलेट बॉक्सेस में डलेगा। मेरी सारे अपने वोटर्स से, सपोर्टर्स और इंसाफियन से दरखास्त है, आपने 12 बजे से लेके शाम को जब तक फॉर्म 45 नहीं मिलता ना, आपने पोलिंग स्टेशन छोड़ने नहीं है। सारे वोटरों को लेके ही दोपहर को लंच के टाइम पे आए ताकि इनका कोई ड्रामा ना चले और अपनी खवातीन को निकाल के लाए, बिलखसूस जो आपका रूरल एरिया है उसमें। ये जितना वोटर टर्न आउट हो गया सोच लें कि कोई साथ नहीं कर सकेंगे। और ये डरे, ये इलेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे तो ये हार चुके हैं, अब डब्बे तक जो हमारे वोट पहुंचेंगे वहां पे इंशाल्लाह हम इनको 8 फरवरी को हराएंगे, इन्हीं सिंबल्स के साथ हराएंगे। और ये जो सीटें हमारी, ये इमरान खान की अमानत है, वो असीर अडियाला की अमानत है, इंशाल्लाह उस मजलूम लीडर की अमानत है जो हमारे लिए खड़े हैं। तो उनकी आजादी और 8 फरवरी को ये जो ठप्पे आप लगाएंगे आके, वो आपस में जुड़ी हुई है। तो पूरी कौम से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो मैं चला लेता हूं दोबारा। हां, बहुत शुक्रिया, बताना भी रोलर कोस्टर, कोस्टर पे ठप्पा, रोलर कोस्टर पे ठप्पा, रोलर कोस्टर पे ठप्पा, रोलर कोस्टर पे ठप्पा, रोलर कोस्टर। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने खाद खा रखा, एक्सलेंट, थैंक यू, थैंक यू कमल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा चले जी, मेरे पास अब टाइम बिल्कुल अब है, आई होप आपने कोई वीडियो नहीं चलानी है, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो मैं चले, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जो है हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, मैं उनको स्ट्रीम में ऐड करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अली, वंडरफुल जॉब, थैंक यू सर, सच अ प्लेजर वाचिंग बीटीआई सोशल मीडिया टीम डिलीवरिंग at every corner, at every moment. Compliments to all of you. Thank you. Ran, Ali, and your entire team. You deserve kudos. And I think, you know, it's a remarkable job. Every time you surprise us more than the last time. Thank you very much for all this. Achha, Rauf sahab, since you are with us, to main na UK chapter hai humare saath bhi. To hum unke kuch logon ko le lete hain saath mein. Unhone kuch donations ke elanaat hai, wo bhi unhone karne hai. To hum unse wo bhi le lete hain. Nasir Mir sahab hai mere saath. ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं ओआईसी पीटीआई के। जी नासिर साहब, ओवर टू यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं आपको दोबारा मुबारकबाद दूंगा जिब्रान भाई, अली मलिक साहब, जिस तरीके से आपने ये मौका दिया कि दोबारा ये फंड रेजिंग हो रही है, इंशाल्लाह ताला बड़ी होगी।